हमारा यही मानना है, आज हमारे बोफोर्ट डेवलपमेंट कमेटी की ट्रस्ट की यहाँ पे मीटिंग थी, हमने यहाँ पे यूनानिमसली ये डिसाइड किया है कि देखो मंदिर है, ये मंदिरों का शहर है, मंदिर है, लोगों की आस्था का एक प्रतीक है, तो कुछ भी हुआ हो, किसी की भी गलती हो, हम किसी को फेवर या किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं यहाँ पर हैं, कुछ भी हुआ हो, किसी की भी गलती हो, बट एट द एंड जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी ने अभी बताया भी आपको कि हमारा ये लॉ नोइंग पर्सन हैं, पुलिस वाले जो हैं वो लॉ नोइंग पर्सन है, ये लॉ अबाइडिंग पर्सन हैं, अगर ये कॉमन पर्सन के साथ भी ऐसा बर्ताव करेंगे तो पुलिस के ऊपर लोगों का विश्वास हटेगा। अगर इतनी कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं था, अगर कुछ हो भी गया था, उन्होंने कुछ मिसहैंडलिंग की भी थी, तो उनको अरेस्ट किया जाता, उनको थाने लिया जाता, प्रॉपर कार्रवाई की जाती, इन्वेस्टिगेशन की जाती, लेकिन वे मार्केट आई एक मंदिर में इस तरह का दृश्य किसी के भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम यही डिमांड करेंगे कि जल्द से जल्द इसमें जो महिला कांस्टेबल है उसको सस्पेंड किया जाए, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे, हमारी पुलिस के ऊपर विश्वास बना रहे। तो मुझे समझ नहीं लगता कि मतलब किस तरह से यहाँ पे मतलब सही इंसाफ हो सकेगा। और देखिए जो बात है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ आप मेरे फ़ोन में, बात यह है कि अगर मंदिर में भी ऐसा होगा तो फिर लोग कहाँ पे सेफ हैं? और ऐसा कुछ नहीं था, अगर मैं कहता हूँ अगर लड़की ने जाने की बात भी की तो ये मंदिर ही एक था ना, सिर्फ जाने की ही बात थी, मंदिर के अंदर अगर कोई रास्ता था दूसरी साइड से जाना था, वैसे तो वो कह रही थी लड़की कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं अंदर नहीं जाना है, मैं बाहर से ही माथा टेकना है। तो महिला को महिला की प्रॉब्लम समझनी चाहिए थी और कानूनी तौर से पेश आना चाहिए था, अगर कुछ हो भी गया था तो लीगली उनको वहाँ से लेके जाते, चौकी थी अंदर, थाना था, वहाँ पे बात करते। लेकिन इस तरह से जो इनह्यूमन एक्ट पुलिस की कांस्टेबल द्वारा किया गया है, और आज हमारी जो बोफोर्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट से, डिपार्टमेंट से यही मांग करते हैं कि पुलिस के ऊपर जो लोगों का विश्वास है वो बना रहे, उसके लिए जिसने ऐसा इनह्यूमन एक्ट किया है उसको इमिडिएटली सस्पेंड किया जाए, उसके बाद चाहे सिट बनाई जाए, उसके ऊपर देखा जाए कि क्या सही हुआ है और क्या गलत हुआ है। मैं इतना ही कहूँगा कि भाई जिस तरह लोग कहते हैं कि एक मछली गंदी होने से तालाब गंदा माना जाता है, तो अगर एक कांस्टेबल ने ऐसा किया है जिसके कारण पूरे मतलब पुलिस के ऊपर नाम आ रहा है, गलत मैसेजेस जा रहे हैं, तो उसको इमीडिएट